नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिनेश डिवाइसी पर। और आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें दो तरह के डिवाइस की ज़रूरत होती है, पहली इनपुट डिवाइस व दूसरी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा और निर्देश कंप्यूटर में डाले जाते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर द्वारा कर चुके कार्यों के रिजल्ट या परिणाम को देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या प्रिंट करके प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों प्रकार की डिवाइस कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं, साथ ही यह हार्डवेयर भी हैं। इसके बाद हम जानेंगे इनपुट डिवाइस की परिभाषा क्या है। इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड और माउस बहुत ही प्रचलित इनपुट डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में विशेष रूप से किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस के कार्य क्या होते हैं। यह यूजर के द्वारा दिए जाने वाले डेटा व निर्देश को ग्रहण करते हैं। ग्रहण किए गए डाटा व निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा बाइनरी में बदलते हैं, ताकि प्रदान किए गए डाटा व निर्देश के अनुसार हमारा कंप्यूटर कार्य कर सके। बाइनरी भाषा में कन्वर्ट किए हुए डाटा व निर्देश कंप्यूटर को सिस्टम CPU को प्रदान करते हैं, जिससे कि प्रोसेसिंग के लिए वो प्रदान करते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनका प्रयोग करके डाटा व निर्देश आदि कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं। इनपुट डिवाइस के प्रकार क्या हैं, तो आवश्यकता के आधार पर कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक इनपुट डिवाइस और द्वितीयक इनपुट डिवाइस। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक इनपुट डिवाइस के बारे में। यह कंप्यूटर की मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती हैं। इनके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर को सरलता से नहीं चला सकते या माने ऑपरेट ही नहीं कर सकते, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। द्वितीयक इनपुट डिवाइस, यह वह इनपुट डिवाइस होती हैं जिनके बिना कंप्यूटर को संचालित तो किया जा सकता है, पर यदि हम अपनी ज़रूरत के आधार पर एक विशेष प्रकार के डाटा को इनपुट कराना चाहते हैं तो इसका प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, जैसे स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और कार्ड रीडर आदि। अब हम बात करेंगे प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या क्या हैं। तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम और लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।